हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब पे कि सर प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बारीकी से कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आपको राइट गाइडेंस भी चाहिए, राइट नॉलेज भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू मी हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है, आपके पास फाइनेंस बहुत बढ़िया है, आपके पास नॉलेज बहुत बढ़िया है, आप सोर्सिंग कर सकते हो, क्या क्या आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, तो क्या आप कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर आपकी वीकनेस क्या है कि क्या आपको नहीं पता, क्या नॉलेज आपको नहीं है, तो वो आप नॉलेज ले सकते हो। फिर आता है अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड फ्यूचर इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो आप अभी से देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कल हो जाएगा कुछ भी, बट अभी से आप इसमें ट्राई करोगे, इसमें सीखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे जाके इसमें बिजनेस में है, तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे डर क्या है, तो डर तो जो है कि इसमें बहुत ग्लोबलाइजेशन है, तो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, इंडिया के लिए तो बहुत ही सुंदर भविष्य है। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट वो करो। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से सेक्टर में जाओगे, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड हो गया, जो आप जो कौन से सेक्टर में जाना है, कंस्ट्रक्शन हो गया, केमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ज्वेलरी हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गया, बहुत सारी प्रोडक्ट है यहाँ पे, आप क्या सिलेक्ट करोगे। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप जैसे कि कई लोग हैं जिसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता है, तो फिर एक्सपोर्ट सामने वाला बंदा जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में तुरंत दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या क्या है, कैसा है, क्या उसके क्राइटेरिया है, पूरे पूछ लेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेके प्रोडक्ट सिलेक्ट, जिस प्रोडक्ट सिलेक्ट वही प्रोडक्ट करो जिसमें आपका नॉलेज है। और कहीं बोले कि सर मेरा तो किसी कोई नॉलेज ही नहीं है, तो नॉलेज आप एनालिसिस करके कोई प्रोडक्ट का नॉलेज लो और वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। तो एक आपका सबसे जो है आपका नॉलेज, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट है हमारे अगल बगल अवेलेबल है, उसका लॉजिस्टिक कैसे होगा, एक लॉजिस्टिक को भी एक ध्यान में रखने की चीज़ है कि मैं गुजरात में बैठा हूँ, कोई प्रोडक्ट है कोलकाता में, मैं कोलकाता से मैं गुजरात कैसे प्रोडक्ट लाऊंगा, फिर मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कोलकाता से ही कोलकाता पोर्ट से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं। बट आपको जो अवेलेबिलिटी है, आपको बारी बारी में भी कभी जाना पड़े, कुछ प्रोडक्ट नॉलेज के लिए सप्लायर को मिलना पड़े, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेलेबिलिटी। और प्रोडक्ट के सप्लायर, आपके पास प्रोडक्ट के सप्लायर होने चाहिए। कई लोग आते हैं यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग में आते, पूछते हैं सर हाउ टू फाइंड बायर, तो मुझे बायर फाइंड करना पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिकली सिखा देता हूँ, फिर बोलते हैं कि सर हाउ टू फाइंड सप्लायर। तो सप्लायर आपको फाइंड का जो करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करना है, तो वो उसका भी आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी प्रोडक्ट के करना है उस हिसाब से आप सप्लायर फाइंड कर सकते हो। तो सप्लायर होना जरूरी है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर तो तुरंत आ जाएगा, मार्केट में डिमांड है ही है, तो ऑर्डर तो तुरंत आ जाएगा, तो ये क्राइटेरिया है। फिर दूसरा उसका प्राइसिंग, प्राइसिंग फ्लक्चुएट तो नहीं होता ना, कोई सप्लायर से आपने प्राइस मांगा, उसने बोला 100 रुपया है प्रोडक्ट का पर केजी, और कल ही उसका जैसे कि मैंने मेरा एक वीडियो है हाउ टू जो प्रोडक्ट एंड कमोडिटी, तो सिलेक्ट प्रोडक्ट, कमोडिटी मत सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि राइस का कोई आज भाव अलग है कल अलग होगा, गेहूं का भाव अलग है कल अलग होगा, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से चलता है वो। इनिशियली आप कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, बट इनिशियली आपका इन्वेस्टमेंट कम वगैरह है तो थोड़ा ध्यान में रखिए, मार्केट का फ्लक्चुएट कैसे होता है वो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। फिर जो है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस देखो। पहले हमारी कंट्री में जैसे कि फूड एक्सपोर्ट करना है तो फसाई लाइसेंस आपको चाहिए, और भी ड्रग्स जो है फार्मास्यूटिकल है वो एक्सपोर्ट करना है तो कौन से लाइसेंस चाहिए वो आपको एक देखना रहेगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। आपने बोला सर मेरे को ये फार्मास्यूटिकल करना है, आपने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है और प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया है, बट उसमें आपका नॉलेज
और आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो ये एक चीज है, लाइसेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह। और दूसरा कि ओवरसीज मार्केट में क्या लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है बराबर है, किसी ने सिलेक्ट कर लिया कि कोई फार्मा या कोई भी फूड प्रोडक्ट या गारमेंट्स, तो वहां पे क्या क्या टेस्टिंग रिपोर्ट, लाइसेंस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए। जैसे कि फूड प्रोडक्ट में अमेरिका में एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे FDA का लाइसेंस लगता है, FDA का लाइसेंस। तो आपके पास वो अवेलेबल है, हो सकता है आप ले सकते हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरा है पैकिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट। कोई प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो वो पैकिंग कैसे होगा, बाय एयर जाएगी बाय सी जाएगी, उसका पैकिंग कैसे होगा वो आपको देखना पड़ेगा। और उसका लेबलिंग, तो लेबलिंग क्या क्या होगा, और मोस्टली लेबलिंग जो है सामने वाला बायर वो बताएगा ऐसा ऐसा प्रिंट करना है वगैरह, तो इसमें टेंशन नहीं है। बट जो मैंने ये बताया ये बारीकाई से आपको पूरा उसका जो है अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। और उससे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये भी आपको ध्यान में रखना है, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट का भी आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की कौन सी कंट्री में जाएगी। और आप पहले से डिसाइड करो कि आपको टारगेट कौन सा कंट्री करना है। आप गल्फ में करना चाहते हो, गल्फ कंट्री में आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और आपने सिलेक्ट किया लाइक जींस पैंट वगैरह, तो वहां पे कम चलते हैं जींस पैंट वगैरह, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो भी ध्यान में रखने के बाद आप रिवर्स में प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। लाइक अमेरिका वगैरह में जींस पैंट वगैरह चलेगा, तो ये चीज है। कोई फूड प्रोडक्ट है वो कई कंट्री में चलती है, कई कंट्री में नहीं चलती है, तो उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या डिमांड है, कौन सी जो कंट्री है क्या बना रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है दुबई वगैरह में बहुत चलेगा, तो आपसे आपको पूरा जो है एनालिसिस करके आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको आंसर दूंगा। तो ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है कि प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस कौन से चाहिए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल अवेल, जो आपकी कैपेसिटी क्या क्या है, कहीं में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है, कहीं में कम इन्वेस्टमेंट भी होता है। और आप कम इन्वेस्टमेंट वाली प्रोडक्ट करना चाहते हो तो टॉप 10 प्रोडक्ट जो स्मॉल बजट में हो सकते हैं, उसका मेरा अलग से वीडियो है यूट्यूब में, आप मेरी चैनल में फाइंड करके उसको देख सकते हो। तो और भी कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।